देख रहे होंगे यहाँ स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। वायु में एक दूसरे से 3.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेश गोलों पर क्रम से, यहाँ पे दो आवेश गोले रखे हैं उनकी जो वैल्यू जो है वो 2×10⁻⁷ एंड 3×10⁻⁷ से आवेश है, उनके बीच का बल ज्ञात करना है। एक्चुअली हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो है हमें इसका बल निकालना है। तो बल निकालने के लिए हम एक प्लान करेंगे, मैं पहले तो एक इरेजर ले लेता हूँ यहाँ से, और जो मैंने यहाँ पे पेन किया है मैं इसको यहाँ से क्लीन कर देता हूँ जैसे देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक पेन ले लूँगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक 2.1 वैल्यू ये दी गई है, इसके अलावा एक वैल्यू यहाँ पे ये दी गई है, और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर जो है वो हमको पहले तो मैं इसका फॉर्मूला ले लेता हूँ क्योंकि इसके बीच का बल है, तो मैं पहले तो एक यहाँ पे फॉर्मूला डिफाइन करूँगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला क्रिएट किया है जो कि आवेश बल को निकालने के लिए हेल्प करता है हमारी। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, ठीक है, उसको, और यहाँ पे एक आर उसके होता है, ये एक्चुअली मेरा आर उसके है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है, और उसको मैं यहाँ से एक इसे हटा देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन स्पष्ट दिखाई दे। और मैंने यहाँ पे प्लान किया, अब हमको एफ निकालना है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं एक न्यू पेन ले लेता हूँ यहाँ पे, येलो ले लेता हूँ, ठीक है, और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एफ निकाल रहा हूँ। और सिंपली यहाँ पे करने के लिए आप देख रहे होंगे जो मैंने यहाँ पे 1.4π/8.0 लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू जो होती है वो सिंपली एक वैल्यू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं वो क्या होती है। तो मैं यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, पहले तो देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा, एक्चुअली आपको शायद स्क्रीन क्लियर नहीं हो रही, तो इसके लिए मैं यहाँ पे दूसरी पेन ले लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पे, और जो जो वैल्यूज है यहाँ पे 1.45 मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, एक्चुअली एफ इक्वल एफ इक्वल मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि 9 × ठीक है, और जो 10 की पावर होती है वो उसकी 9 होती है, तो जो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया, ठीक है, 10 की पावर 9। और मैं उसके अलावा मैं एक इरेजर टेप ले लेता हूँ यहाँ पे, एरर चार्ज चुका है ज़्यादा, और ठीक है, जो मेरी पेन थी मैं वो पेन का यूज करूँगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके अलावा जो देख रहे होंगे यहाँ पे जो Q1 एंड Q2 की वैल्यू दी गई है, एक्चुअली हमारी जो Q1 है वो हमारा यहाँ पर है, तो सिंपली आप यहाँ से ही डायरेक्टली प्लान कर सकते हैं 2×10⁷। तो मैंने यहाँ पे 2×10⁷ किया यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास सेकेंड्स वैल्यू है, सेकेंड्स वैल्यू का आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो Q2 लिखा है क्रम स्टूडेंट, तो यहाँ पे 3×10⁷ दिया गया है, तो सिंपली मैं यहाँ पे 3×10⁷ ले लूँगा। और उसके अलावा देख रहे होंगे यहाँ पे हमारी जो आर है, आर की वैल्यू हमारी 30 दी गई है, तो 30 दी गई है, ठीक है, हम इसे एक्चुअली दो टाइम लिख सकते हैं, जैसे कि मान ली कि मैं आर स्केयर को मैं यहाँ पे R×R कर दूंगा तो R² हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मैं ये वैल्यू है सेंटीमीटर को पहले तो मीटर में चेक करूंगा, चेंज करूँ, मीटर चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे 0.3 दे देंगे, ठीक है, 0.3, ठीक, 0.3 मैंने यहाँ से दे दिया, और मैंने यहाँ पे 0.3 ले दूंगा, इससे क्या हुआ कि जो वैल्यू है हमारी स्क्रीन टाइप में आ जाएगी, ठीक है। अब जी देख रहे होंगे मैं इस 3 से ये वाला 3 उड़ा दूँ और इस वाले 3 से ये वाला 3 उड़ा दूँ, तो एक्चुअली हमारे यहाँ पे जो है यहाँ पर हमारे 3 बचेंगे, ठीक है, यहाँ पे 3 बचता है। इस 3 वाले का मैं मल्टीग्रेशन करूँगा इस वाले में, जैसे कि आप देख रहे होंगे 2 वाले में, तो यार 3×6 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा नीचे वाला फाइन नहीं हुआ, यहाँ पे एक्चुअली 0 बचे हुए हैं, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हमारे ये वो कवर हो गया, हमारे पास 10⁻⁹ है, इसमें से मैं जब इसको हटाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एक्चुअली +2 बचते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो जो वैल्यूज है वो 10⁻⁹, अगर यहाँ पे 2 बचते हैं तो जो 2 है मैं इससे अटैम्प्ट करूंगा, ठीक है, इस वाले से, फिर हमारे जो 10⁻⁵ बचती है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज है वो 10⁻⁷ यहाँ पे डिफाइन हो चुकी है। और मैं एक मिनट में इसके इरेजर ले लेता हूँ क्लियर करने के लिए, ठीक है, और एक पेन स्पेस उठाऊंगा, और यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज है वो 10⁻⁵ बची है, यहाँ पे हमारा 6 है, अब करने के वाले जी हमारी पास 2 बची है, और जहाँ पे जो देख रहे हैं हमारी जो वैल्यूज है यहाँ पे एक 0 0 है, ये -1 था और ये भी -1 है, तो ये -1 -1 को हम जब ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10⁻² हो जाएगा, ठीक है, जब माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 10⁻² हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू डिफाइन होगी उसकी ये हमारा 6 है, ठीक है, हमने यहाँ पे 6 ले लिया, और जो 6 से यहाँ पे हमारा 10 आएगा, ठीक है, और 10 में से यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 5 लिखा हुआ, -5 + 2 यहाँ पे -3 होगा, और यही हमारा सिंपली आंसर है। तो सिंपली आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, और इसी प्रकार के आप सॉल्व क्वेश्चन करके लिए हमारा कॉन्टैक्ट एंड व्हाट्सअप नंबर ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सिंपली आप वहाँ से हमारे पास क्वेश्चन भेज सकते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स पर्पज पे लिया हुआ है, जैसे कि मेरे पास आया था तो मैंने सिंपली इसका सॉल्यूशन दे दिया है, ठीक है, आप भी कमेंट्स कर सकते हैं।
एंड मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम पर एक मैसेज टिप कर सकते हैं क्वेश्चंस का, तो सिंपली वहां से मैं आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराता रहूंगा।